आज हम बनाएंगे ताजी हरी मेथी से थेपले। बेसिकली ये गुजराती फूड है। गुजराती लोग ट्रैवल में अक्सर इसे ले जाना पसंद करते हैं और ये बहुत ईजली जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और इसे ट्रैवल पे ले जाना आसान भी होता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिम्मो। हमें थेपले बनाने के लिए पहले हरी भरी ताजी सा मेथी लेना होगा, जिसे मैं अच्छे से वॉश कर ली और रूट पार्ट को हटा दी हूँ। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में एकदम फाइन कट करना होगा। ये देखो मेथी को हम अब साइड में रखेंगे। अब लेंगे गेहूं का आटा। यहाँ पे मैं 2 कप जितना गेहूं का आटा ली हूँ। 1/4 कप डालेंगे बेसन। 1 चम्मच के करीब डालेंगे अजवाइन। 1 चम्मच डालेंगे वाइट तिल। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर। और 1 चम्मच डालेंगे कस्तूरी मेथी। यहाँ पे मैंने मिर्ची अदरक और लहसुन लिया है, इसे पीस लेंगे। पीस कर इसे डालेंगे या फिर दरदरा कूट लें। अब हम इसमें अपना डालेंगे मेथी और 1/2 कप डालेंगे दही और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पे हम पानी नहीं डाले हैं, दही में ही बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हल्का हल्का पानी डालकर आटा को गूंथना शुरू करेंगे। यहाँ पे मेरा पूरा 1/2 कप पानी लग गया आटा को गूंथने में। तो ये लो, हमने डो एकदम सॉफ्ट सा नरम सा बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसके ऊपर ना 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और डो को ना थोड़ा देर रेस्ट पे रखेंगे ताकि हमारा डो सॉफ्ट हो जाए। तो हमने 1/2 घंटे के लिए डो को रखा था साइड में, तो 1/2 घंटा हो गया। तो अब हम इसके छोटे छोटे लोई काट लेंगे और इस तरीके से हमने सारे डो से पेड़े बनाकर रेडी कर लिए। अब हम लेंगे एक पेड़ा जिसे हमें बेलना है। बेलने वक्त ना थोड़ा सा आटा का यूज कर लेना ताकि सरफेस पे चिपके नहीं, और फिर हम इसे एकदम पतला बेल लेंगे। ये देखो हमने बेल लिया, इसका थिकनेस भी आप देख सकते हो। और ये देखो मैंने एक ही प्लेट में ना सारे थेपले को बेल कर रख लिया है, चिपकता भी नहीं है। अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे। और मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रिफाइन या बटर या घी डालना चाहते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम थेपले को अलग पलट कर दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेंगे और बस ये हमारा थेपला रेडी है। और इसी तरीके से हमने सारे थेपले बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखो हमारा थेपला कितना सॉफ्ट है ना, कि हमें जैसे मुड़ रहा है ना वैसे मुड़ जा रहा है। आई होप आपको ये थेपले की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।